हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों तो मैं आपके सामने में हाजिर हूँ फिर से एक और मूवी का रिव्यू लेके, जिस मूवी का नाम है वली माई। वली माई का हिंदी मैंने फर्स्ट शो देखा फर्स्ट डे पे, तो बात करने वाले हूँ इस मूवी के बारे में। तो सबसे पहले मुझे इस मूवी में क्या अच्छी लगी और क्या अच्छी नहीं लगी, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल पर इसी टाइप्स के रिव्यूज़ के लिए। अब बात करें फिल्म की, तो फिल्म भाई मैं एक वर्ड पर अगर बात करूँ ना तो मास्टरपीस, और फिल्म मतलब ना एकदम टिपिकल, जो मतलब फिल्म में कहूँ ना कि एक्सपीरियंस करने वाली फिल्म है। इसे आप थिएटर्स पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि ये फिल्म अगर निकल जाएगी ना तो आप लोगों ने कुछ मिस कर दिया है। इस टाइप की जो सीक्वेंस लॉक किए गए हैं इसमें, जो बाइक स्टंट के सीन्स हैं और जो बाइक चेसिंग्स के सीन्स हैं अजीत सर के बारे में, और जो फिल्म की स्टोरी हमारे साथ में रिवील करती है वो काफ़ी अच्छी करती है। जबकि हमें जो इसकी स्टोरी है वो टिपिकल है, हम लोग को पहले से जो ट्रेलर पर वही देख के हम लोग को पता चल गया था कि किस टाइप की इसकी स्टोरी होने वाली है। फिर भी डायरेक्ट हमारे विनोद जी की मैं हैट्स ऑफ करना चाहूंगा कि फिल्म को इस टाइप के स्क्रीन प्ले के साथ ग्रैब किया है ऑडियंस को, कि आप कहीं भी बोरियत फील नहीं करेंगे इस मूवी के सामने। और बात करूं इस मूवी में अगर स्टारर की, तो अजीत सर हैं और कार्तिक के हैं, हुमा कुरैशी हैं और उसके साथ में अन्य कई सारे एक्टर हैं। मगर मैं बात करूं, आप तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वाली मैं मूवी है उससे आप फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्म क्यों देखने जाएंगे, क्योंकि वहां पर अजीत कुमार सर हैं। पर आप जैसे ही थिएटर्स पे एग्जिट करोगे ना, आपके सामने में एक और नाम जुड़ के आ जाएगा, वो है कार्तिकेय। क्योंकि अब फिल्म पे जो कार्तिकेय ने काम किया है तो वो भी एक बार अपना जो छाप है वो छोड़ के जा रहे हैं वाली मई में, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। अब फिल्म की बात करें हमें, तो आप लोग जानते हैं इस प्लॉट पे एक मतलब कि टिपिकल प्लॉट है। आप लोगों ने इस टाइप की जो प्लॉटिंग फिल्म है वो आप लोगों ने देख चुकी है। यहाँ पर जो बाइकर्स होते हैं उसे हम वायलेंट बोलें या तो इलीगल वायलेंस, जो मतलब ड्रग्स मर्डर इस टाइप में इन्वॉल्व हैं, वहीं पर हमारे स्टारर जो कॉप में नजर आते हैं अजीत कुमार सर, उन्हें मतलब अपॉइंट किया जाता है एक टीम को लीड करने के लिए। और इस जो मतलब कि जो स्ट्रैटेजी जो क्राइम थ्रिलर जो चल रही है इससे मतलब कि सॉल्व करने के लिए, फिर इसी के टिपिकल फिल्म पूरी एग्जिट करती है लास्ट तक। मगर बीच में एक ट्विस्ट है जिसे देखने के लिए आपको देखना होगा इस पूरी फिल्म को, जिसे मैं बताकर स्पॉइल करना नहीं चाहता हूं कहीं भी। तो फिल्म इसी के अराउंड पूरी फिल्म चलती रहती है। अगर फिल्म को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल दो हाफ पे अगर फिल्म को डिवाइड करूं, तो फर्स्ट हाफ को अगर मैं बात करूं इस मूवी, तो फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छी ग्रिप करती है थ्रिल के साथ में, क्राइम के साथ में। फिर थोड़ी सी मुझे लगती है कि थोड़ी सी लेंदी है, मगर लास्ट में जब इसकी जो इंटरवल होने वाली होती है वहाँ पर आगने, जब ट्रेलर पे जो मतलब कि एक बाइक सीक्वेंस है जहाँ पर स्टंट करते हुए आती है हिली एरिया पे, वो सीन्स को इस टाइप से लॉक किया गया हाई ऑक्टेन नोट पे कि आपको ग्रैब करने पे मजबूर कर देती है कि नेक्स्ट हाफ मतलब सेकेंड हाफ में क्या होगा। उसके बाद में सेकेंड हाफ में जो अजीत सर का, अजीत कुमार सर की जो पावर दिखती है, वन मैन आर्मी की तरह पूरे फिल्म को स्टैंड करते हुए खींच के लेते जाते हैं। फिर भी नेगेटिव रोल में जो कार्तिक के जो नज़र आते हैं वो हैट्स ऑफ यार, वो भी क्या मतलब ना। और फिल्म को स्टार्टिंग यही प्लॉट बनाती है, क्योंकि जो स्क्रीन प्ले को इतनी अच्छी की गई है, 3 घंटे की फिल्म होने के बावजूद भी कहीं भी आपको बोरियत फिल्म नहीं कराती है मूवी, आपको पूरी टू पूरी फिल्म इंटरेस्टिंग बनी रहती है आखिरी तक। अब बात करें इस मूवी में मुझे क्या अच्छी लगी क्या नहीं लगी, क्योंकि ये फिल्म आपको 3 घंटे की लेंथ है ऑलमोस्ट, तो आप लोग इस फिल्म पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं तो ये अपने आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। मुझे जो लगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फिल्म की BGM काफ़ी अच्छी है, स्टोरी लाइन टिपिकल है, मगर आप लोग इससे कहीं भी उदास नहीं होने वाले हो। बात करूँ इस मूवी की, म्यूजिक तो काफ़ी अच्छी है। फिर फोर्थ बात करूँ इसकी, जो बाइक सीक्वेंस और जो चेसिंग सीक्वेंस उसमें बनाया गया, वो जिस टाइप से वाली में पहले बताया गया था कि हॉलीवुड टाइप को टक्कर देंगे, और मुझे भी पर्सनली ऐसा फील हुआ कि इस टाइप की जो बाइक सीक्वेंस जो चेसिंग इसमें सीन्स ऐड किए गए हैं जो इसमें हैं इस मूवी में, वो कहीं भी मैंने इंडियन मूवीज़ पर नहीं देखा है। अगर बात करूँ इस मूवी की, अगर मुझे ड्रॉप नॉच की, तो पहले अगर मैं बात करूँ तो वो है इसकी क्लाइमैक्स, क्योंकि फिल्म इतनी अच्छी हाई नोट ऑक्टेन के साथ में फिल्म चलती रहती है, फिर जब क्लाइमैक्स आती है तो प्रिटिबल मतलब ना वहाँ पर मुझे लगती है कि थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए थी विनोद जी को। फिल्म ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, आप लोग जाके इसमें टाइम इन्वेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप की मूवी आपको जो इसमें चेसिंग और जो थ्रिलर के साथ में मूवी को एक्सपेंड किया गया, आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि रिसेंट और मतलब कि फ्यूचर पे अभी फिलहाल ऐसी कोई मूवी आ रही है जो इस टाइप की आपको एक्सपीरियंस करके देगी सिनेमाज में। तो आप लोग बिल्कुल जाके इस फिल्म को देख सकते हैं, और इसी टाइप की रिव्यूज़ के लिए और मेरे चैनल पर मतलब मूवीज अपडेट्स और नेक्स्ट रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद इस टाइप के मेरे।